गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन सिंपली रूप। आज की वीडियो है एक्जिमा के ऊपर। जिन लोगों को स्किन पर रेड पैचेस हो जाते हैं, इरिटेशन होती है, खुजली होती है, स्किन फ्लेकी हो जाती है, धूप में निकलते हो रेड रेड धब्बे पड़ जाते हैं, छोटे बच्चों को भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि रेड पैचेस पड़ने शुरू हो जाते हैं, फ्लेकी हो जाती है और कई बार स्किन से पापड़ी टाइप छिलके भी उतरने शुरू हो जाते हैं। तो इसके दो सॉल्यूशंस हैं। एक तो आप डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको कुछ क्रीम्स देंगे और वो क्रीम्स होती हैं स्टीरॉयड बेस्ड। स्टीरॉयड्स क्या होते हैं, वो हमारे स्किन को उस टाइम पर तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा लेकिन इतना सेंसिटिव कर देती है कि आपको लाइफ लॉन्ग फिर उन्हीं का सहारा लेना पड़ता है और हमारी स्किन बहुत ज्यादा उस चीज के लिए प्रोन हो जाती है। एंड दूसरा है कि हम एक होम रेमेडी कर सकते हैं एंड दिस होम रेमेडी इज वेरी इफेक्टिव वन। अगर आप इसको यूज करोगे रेगुलर यूजेस से आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा एंड बहुत ही सिंपल है। चलो देखते हैं इसको किस तरह से बनाना है। तो सबसे पहले आपने तरबूज का एक छिलका ले लेना है इस तरह से और इसको अच्छी तरह से धोकर क्लीन करके इसको धूप में सुखाना है। दो तीन धूप लगाने के बाद ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और जब ये बिल्कुल सूख जाए अच्छी तरह से, ये देखिए इस तरह से जब ये सूख जाए तो आपने इसको आग पे जला लेना है। आग पे इसको जलाकर इसकी अच्छी तरह से राख बना लेनी है, ऐश बना लेनी है और ये इस तरह से बन जाएगी और इसको अच्छी तरह से क्रश करके आपने पाउडर बना लेना। अब ये जो वाटरमेलन की छिलके की जो ऐश होती है ना, इसमें लिकोपिन होता है, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं जो एक्जिमा को ठीक करते हैं और स्किन को हेल्दी करते हैं। एंड सेकेंडली हम इसमें कोकोनट ऑयल मिक्स करेंगे जिसमें एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं। सो ये है वाटरमेलन की वो ऐश जो छिलके की मैंने बनाई थी। एंड दूसरा हमने लेना है कोकोनट ऑयल, कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल आपने लेना है जो फेस के लिए होता है स्पेशली। सिर पर हम कोकोनट ऑयल लगाते हैं वो वाला नहीं लेना, ये भी कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल लेना है। तो आपने क्या करना है, अगर आप 1 स्पून कोकोनट ऑयल ले रहे हो तो आपने इसमें 1/2 स्पून इस चीज को मिक्स कर देना है। 1/2 स्पून मिक्स करके हमने इसका थिक पेस्ट बना लेना है और इसको आपने, अगर आपको मतलब इफ यू आर डाउटफुल कि इसको लगाकर आपको नुकसान ना हो, वैसे तो इट इज वेरी सेफ क्योंकि ये जो छिलका होता है वाटरमेलन का, इसमें एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं और हमारी स्किन पे जो भी इरिटेशन या रैशेज होती है उसको खत्म करने की इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इट इज कम्प्लीटली सेफ। अदरवाइज अगर आप इसको टेस्ट करना चाहते हो तो आप थोड़ी सी जगह पर जहां पर आपको प्रॉब्लम है तो पहले आप थोड़ी सी जगह पर लगाकर देख लीजिए। अगर आपको 10 मिनट्स रखिए, अगर आपको कोई इरिटेशन या कुछ नहीं हो रहा देन यू कैन कंटिन्यू। अब इसको लगाना किस तरह से, आपकी जो भी आपका अफेक्टिव एरिया, फॉर एग्जांपल आपके यहां पर रेडनेस हुई हुई है या पूरे चेहरे पर हुई हुई है, तो आप सारी स्किन पर, अपनी क्लीन स्किन पर इसको इस तरह से लगाइए। 15 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ना है, देन आपने नॉर्मल वाटर से इसको क्लीन कर लेना है। क्लीन करके एज इट इज अपनी स्किन को छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए, उसके बाद आप जो भी आप अपनी स्किन केयर करते हो आप कर सकते हो और आप इसको डेली कर सकते हो। और जैसे जैसे आप इसको करोगे आपको, आप देखोगे कि आपकी स्किन में बहुत इंप्रूवमेंट होगी, आपकी जो रेडनेस है वो कम हो जाएगी, फ्लेकीनेस जो उतर रही थी स्किन उतर रही थी वो कम होनी शुरू हो जाएगी, पैचेस कम होने शुरू हो जाएंगे। और जब भी आपने इसको अप्लाई करना है हर बारी आपने फ्रेश इसको मिक्स करना है, मींस आपने जो पाउडर है इसको आप स्टोर करके रख सकते हो, ये कितनी देर आपका खराब नहीं होगा। और एवरी टाइम जब भी आपने इसको लगाना है तो फ्रेशली दोनों को मिक्स कीजिए और 10 से 15 मिनट के लिए इसको इस तरह से छोड़िए, उसके बाद नॉर्मल पानी से इसको धो दीजिए और इस तरह से आपने इसको क्लीन कर लेना है। रेगुलरली आप इसको जब यूज करोगे तो आपको बहुत इंप्रूवमेंट लगेगी आपकी स्किन में। इवन आप बच्चों के भी इसको लगा सकते हो, कई बार छोटे बच्चों को भी ये प्रॉब्लम हो जाती है तो उनके भी आप ये लगा सकते हो एंड इट इज कम्प्लीटली सेफ। ट्राई कीजिए एंड रिजल्ट मेरे साथ शेयर कीजिए। एंड फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस, इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल वीडियोज, टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज एंड शेयर माई वीडियोज। Bye bye, love you all.